वर्ल्ड टीवी सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के साथ मैं हूँ एवन बट। नजर डालते हैं अब तक की इलाकाई खबरों पर। सिंध में गोटकी के करीब सर सैयद एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस में तसादम, 32 अफराद हलाक और 40 से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हो गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद ताहाल बोगियों में फंसे हुए हैं। इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेरबाज शहर से। जी शेरबाज, इस अफसोसनाक वाकये से आगाह कीजिएगा। पहाड़ों के करीब रेती स्टेशन पर जो है सर सैयद एक्सप्रेस और मिलत एक्सप्रेस के दरमियान जो है तसादुम हुआ है। 20 से ज़ायद जो अफराद हैं वो मौके पर जांभाग हो गए हैं और 50 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हैं, और रेस्क्यू की टीमें वहाँ पहुँच के ज़ख्मी और जो जांभाग होने वाले अफराद हैं उनको ज़िला घोटकी का मुख्तलिफ हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये वाकया जो है सुबह 3 बजे अफसोसनाक वाकया पेश आया है रेती स्टेशन पर। सर सैयद लाहौर से आ रहे हैं। ये 3:30 बजे ये वाकया हुआ है। भाईजन में सवार था, डब्बा नंबर 7 में मैं था, 74 नंबर सीट थी मेरी। हमारा पूरा ख़ानदान था, शादी में आ रहे थे हम लोग, तो ये हम लोधरा जा रहे थे, बहावलपुर से आगे मिल्लत पे सवार थे। तो आपके जो साथी थे क्या वो भी जख्मी हुए? एक भाई मेरा कज़न शहीद हो चुका है, बाकी यहाँ पर हैं ज़ख्मी। क्या नाम है उसका जो शहीद हो गया? शहीद का नाम है आमिर, और इमरान भाई ज़ख्मी अंदर है। ये 3:30 बजे रात को हुआ है। जलालपुर पीरवाला में कमर्शियल गाड़ियों LPG के सिलेंडर नस्ब होने वाली गाड़ियों के खिलाफ सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन। LPG सिलेंडर नस्ब होने वाली कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर्स को जुर्माने आयद। मुतअद्दिद गाड़ियों को थाना सिटी जलालपुर में बंद भी किया गया। इसी मौके पर ट्रैफिक पुलिस का कहना था कि मुसाफिरों को हादसात से महफूज रखने के लिए LPG नस्ब शुदा कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ भरपूर अंदाज से क्रैकडाउन जारी रहेगा। पाकपतन में महकमा तालीम के अहलकारों की मुबैना मिली भगत से सरकारी स्कूल की कीमती दरख्त काट लिए गए। बासर जमींदार की कीमती दरख्त काटने की फुटेज मंजरे आम पर आ गई, जिससे बासर अफराद को स्कूल की इमारत में दरख्त काटने देखा जा सकता है। स्कूल इंतजामिया की जानिब से दरख्त काटने वाले अफराद के खिलाफ ताहल कोई कार्रवाई रद्द अमल में नहीं लाई गई। अहमदपुर शर्किया 3rd ईयर की 20 साल स्पेशल तलबा सोबिया लतीफ़ की वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समीर मलिक से मुलाकात के दौरान 20 साल स्पेशल तलबा सोबिया लतीफ़ ने मुलाकात की, और सोबिया लतीफ़ ने कहा कि सुना है वज़ीर आला सरदार उस्मान खान बुज़दार बहावलपुर सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करने जल्द आ रहे हैं। उन्होंने समीर मलिक को बताया कि मेरी वजीर आला से मुलाकात करवा दें, उन्होंने यकीन दहानी कराई कि कोशिश करेंगे। समीर मलिक ने अपनी तरफ से सोबिया लतीफ़ को तहाइफ दिए और वादा किया कि आपकी नौकरी के लिए अनथक कोशिश करेंगे। आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन की तैयारियां जारी। आज़ाद कश्मीर हलका NA 39 जम्मू 6 की उम्मीदवार डॉक्टर नाजिया नियाज की गुजर खान आमद, PTI की तंजीमी क़यादत से मुलाकात और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात और इलेक्शन कम्पेन को आगे बढ़ाने के लिए आइंदा के लाए अमल पर तबादला ख्याल भी किया गया। इसी मौके पर तमाम तंजीमी अहदेदारों ने अपने भरपूर तआवुन की यकीन दहानी कराते हुए कहा, इस इलेक्शन मुहिम में भरपूर कम्पेन चलाकर अपने उम्मीदवार को अक्सरियत से कामयाब कराएंगे। मुकम्मल सपोर्ट और तआवुन की यकीन दहानी पर डॉक्टर नाजिया नियाज ने तमाम तंजीमी रहनुमाओं का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। अहमदपुर गांव विस्तरा के मकीनों का पुलिस और बासर अफराद के खिलाफ एहतजाज। मीडिया से बात करते हुए मुख्तियार अली पठान ने कहा कि पंवर बरादरी की लड़की किसी नामालूम आदमी के साथ भाग गई थी, जिसका झूठा इल्जाम मेरे बेटे पर लगाकर पुलिस ने मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी पेशियां अदालत में जारी हैं। अब तक मेरे बेटे पर कोई भी इल्जाम साबित नहीं हुआ। SHO अहमदपुर ने मेरे बेटे को लॉकअप में रख दिया है और हमें मिलने की इजाज़त भी नहीं दे रहा। उन्होंने IG सिंध और DIG सखर से मुतालबा किया कि मामले की जांच पड़ताल कराई जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। रावलपिंडी CPO मोहम्मद एहसन यूनस की खसूसी हदायत पर चौंतरा पुलिस का नाजायज असलाह के खिलाफ ग्रैंड सर्च ऑपरेशन, 6 अफराद गिरफ्तार, असलाह और एम्यूनेशन बरामद। 6 अफराद गिरफ्तार, असलाह और एम्यूनेशन बरामद। सर्च ऑपरेशन हाउसिंग सोसाइटी समेत थाना चौंतरा के मुख्तलिफ इलाकों में किया गया। शेखुपुरा में GT रोड पर चमड़ा फैक्ट्री से नौजवान की नाश बरामद।
नौजवान की शनाख्त 22 साल सैयद आफाक गिलानी संकना लाहौर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता रात नौजवान के घर ना पहुंचने पर वालिदैन को शक हुआ, जिस पर फैक्ट्री की तलाशी ली गई। नौजवान को कत्ल करके फैक्ट्री केमिकल वाली हुदी में से नौजवान की लाश बरामद हुई। कत्ल के इल्जाम में फैक्ट्री मालिक मैनेजर समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है, मजीद तफ्तीश जारी है। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं दीपालपुर के इलाका हवेली लखा से, जहां पर एक दीनी मदरसा से 6 साल बच्चे की बिस्तर में लिपटी हुई लाश बरामद हुई है। बच्चे की शनाख्त रायान के नाम से हुई है, जो नवाही गांव 2SP का रिहायशी था और मुतालका मदरसे में जेरे तालीम था। रायान 2 रोज से लापता था। पुलिस थाना हवेली लखा ने लाश कब्जा में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी, मजीद तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि हकायक का तायन मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही किया जाएगा। डेरा मुराद जमाली में पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में DHO समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। इसी मौके पर डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद ने कहा कि पोलियो मुहिम को कामयाब कराना हम सब की अवलीन जिम्मेदारियों में शामिल है। जिला भर में 1,49,562 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे, जिसके लिए 396 मोबाइल टीमें, 36 फिक्स सेंटर्स, 30 ट्रांजिट पॉइंट बनाए गए हैं। जिले इंतजामिया इस्तेदाद पोलियो मुहिम को कामयाबी से हमकनार करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी और मुहिम के दौरान अपनी तमाम तर सलाहियतें बरोए कार लाएगी। पाकपतन में हादसात की रोकथाम के लिए रोड सेफ्टी के बारे में आगाही मुहिम। पेट्रोलिंग पोस्ट पर जालिब के इंचार्ज तलत वसीम और ASI ने बस अड्डों पर जाकर ड्राइवरों से तेज रफ्तारी से बचने की हदायत की, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके। मोटरसाइकिल सवारों को सफर के दौरान हेलमेट के इस्तेमाल के लिए आगाही दी गई और पेट्रोल पंप पर रोड सेफ्टी के बारे में लेक्चर दिए गए और पैम्फलेट भी तकसीम किए गए। मेलसी में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा हो गया। मेलसी के शहरी गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फालसे का शरबत बहुत शौक से पीते हैं। इसी हवाले से मजीद बता रहे हैं मेलसी से इरफान फैज। जी बिल्कुल, जैसे ही गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है, वैसे ही ठंडे मशरूबात की मांग में भी इजाफा होता जा रहा है और ठंडे मशरूबात में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शरबत फालसे का शरबत है। सरजमीन मेलसी में न सिर्फ फालसा वाफिर मकदार में काश्त किया जाता है, बल्कि खाने के साथ साथ इसका जूस बहुत शौक से पिया जाता है। मेलसी में गर्मी के सताए शहरियों ने फालसे का शरबत पीने के लिए मुख्तलिफ जूस कार्नर का रुख कर लिया है। मैं मौजूद हूँ कॉलोनी रोड पर एक ऐसे ही जूस कार्नर पर। यहाँ पर शहरी ठंडा मीठा और मज़ेदार फालसे का शरबत पीने में मसरूफ़ है। फालसे के शरबत को तैयार करने के लिए इसमें पानी, चीनी, बर्फ़, जामशीरी और हसबे जायका नमक डालकर तैयार किया जाता है। जब यहाँ पर हमारे इस हवाले से शहरियों से बात हुई तो इनका कहना था फालसे का शरबत फ्रेश होता है, इसमें कोई मिलावट नहीं होती। सारा दिन गर्मी की शिद्दत से निडाल होने के बावजूद जैसे ही फालसे का शरबत पीते हैं जिस्म में तवानाई आ जाती है। फालसे का शरबत जहाँ जबान को मज़ा देता है, वहीं गर्मी का तोड़ भी है। यही वजह है कि गर्मियों में जूस की दुकानों पर रश भी खूब दिखाई देता है। जी ईसा खेल के नवाही इलाका बहादुर खेल में तरक्याती काम न होने की वजह से शहरी सरापा एहतजाज। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा A1 TV तारिक रहीम से। जी तारिक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वजीर आजम इमरान खान के आबाई हल्का बहादुर खेल में आज हम मौजूद हैं। UC चापरी में करोड़ों रुपए के तरक्याती काम हो रहे हैं। चापरी साफ पानी प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है, लेकिन इलाका बहादुर खेल में तरक्याती काम ना हो सके। ये लोग बिल्कुल महरूम है तरक्याती काम से। रोड, अस्पताल और स्लेब का इनका मसला है। आज हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहोगे, क्यों आप अभी तक आपके तरक्याती काम ना हो सके? जी मेरा नाम मालिक गुलराज खान है, बहादुर खैल। तो मैं यहाँ पे कुत की सिटी और कुत की थल की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। अपने दौड़ धूप में हम जारी रखे हुए हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अभी तक PTI गवर्नमेंट को 3 साल गुजरने के बावजूद यहाँ पे तरक्याती काम की जो रिज़ल्ट है वो 0 के बराबर है। कोई भी काम यहाँ, ना बिजली, ना यहाँ पे ना सड़क, यहाँ पे ना पक्की सोलिंग, यहाँ पे तालीम का मसला बिल्कुल गंभीर हो चुका है और यहाँ पे पानी का मसला जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, जबकि दूसरे इलाकों में पानी हर जगह पर पहुँच चुका है।
लेकिन कुत की सिटी और कुत की थल में इस वक्त पानी का मसला बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। कई दरख्वास्तें दे चुका हूँ जिनकी रिकॉर्ड मेरे हाथ में है ये, लेकिन अभी तक वो हमारे एप्लीकेशन जितने भी है वो शायद के रद्दी के टोकरों में जा चुके हैं। जी शहरी की बात आपने सुनी, शहरी के मुताबिक ये इस इलाके में अभी तक एक रुपए का तरक्याती काम ना हो सका। इन्होंने आला हुकाम से दरख्वास्त की है कि इस मामले पे जल्द अज जल्द नोटिस लिया जाए और इस इलाके में तरक्याती काम कर दीजिए। जी टंडोला यार्ड में बलगार शाख के बंद होने पर काश्तकार ने बलगार शाख पर धरना दे दिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं टंडोला यार्ड से A1 टीवी के रिपोर्टर हजूर बख्श। जी हजूर बख्श, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूं बलगार शाख पर, जहां पर सैकड़ों आबादगार पानी के हुसूल के लिए सरापा एहतजाज धरना लगाए बैठे हैं। आबादगारों से मालूम करेंगे कि क्या मसाइल हैं। जी सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मसाइल देखें, इतने सारे लोग जो हैं इस नहर पे इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, इसी नहर पे सियासत होती है, ये दूसरी मरतबा हो रही है, पहले भी 4-5 साल पहले भी हुई थी। तो ये सारे मिस्कीन और कुछ ज़मींदार छोटे हैं बड़े हैं, तो उनका जो है ख्याल रखा जाए और नहर को खोलें तो ये बेचारे चले जाएं। इतनी सख्त गर्मी में देखो कैसे इतने लोग खड़े हुए हैं, तो इसी शाख पर सियासत होती है क्या? ये गलत बात है। क्या समझते हैं कि नहर की शाख पे सियासत हो रही है और अपोजिशन जो है ना अभी सियासत पानी पे सियासत कर रही है? ये जो हमारी नहर है बलगार शाख, इसको पता नहीं क्या समझा जा रहा है, इस पर सियासत हो रही है। और ये एक कराची का बदमाश निकलता है जो इधर आके बोलता है कि भाई बलगार शाख बंद करो। ये सारे काश्तकार हारी मजदूर हैं, उनका पानी का मसला है, उनके बच्चों की रोजी का मसला है। हम बोलते हैं इरीगेशन डिपार्टमेंट से फुल फोर हमारी नहर खोली जाए, अदरवाइज़ हम जो है अपने एहतियात का दायरा बढ़ाएंगे। जी इन लोगों का कहना है कि बलगार शाख को फुल फोर खोला जाए, वरना हमारा धरना जो है ना जारी रहेगा। चिन्योट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और दीगल मुतालका हुकाम की मुबैना गफलत के बायस जिला का सबसे बड़ा पब्लिक पार्क वैरान और लावारिस हो गया। पार्क में घोड़े, गधे और दीगर जानवरों ने बसेरा कर लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं पार्क में मौजूद ब्यूरो चीफ औरंगजेब खाकी से। जी औरंगजेब आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व दीगर मुतलका हुकाम की मुबैना गफलत के बायस जिले का सबसे बड़ा पार्क जो मोहल्ला दिल कुशाब में शहरियों के लिए पब्लिक पार्क बनाया गया था, मुकम्मल तौर पर वैरान और लावारिस हो गया। पार्क में लगे पौधे, घास, बेंचेस, वही आलात मुकम्मल टूट फूट का शिकार है। अनेक जंगला लगाया गया था वो भी टूट गया है। मेरे साथ इस वक्त कुछ अहले इलाका मौजूद है, मजीद जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मोहल्ला दिलकुशाब का सबसे बड़ा पार्क है जो कि मौजूदा एम एन ए ने करोड़ों रुपए की ग्रांट लगा के ये बनवाया था। अब करोड़ों रुपए की कोई भी ग्रांट नज़र नहीं आ रही लगी हुई, और हमारा चिन्योट के डीसी साहब से मुतालबा है कि इधर आके विज़िट किया जाए और इधर इंतज़ामिया को लागू किया जाए। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो ग्रांट लगाई गई थी MNA की जानिब से वो नज़र नहीं आ रही। हमारा डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा है कि यहाँ का विज़िट किया जाए, उस इंतजाम का जायज़ा लिया जाए ताकि ये पार्क आबाद हो सके और शहरी सस्ती तफरी से मुस्तफीद हो सके। जी रावलपिंडी फातमा जिना यूनिवर्सिटी के तलबा का फातमा जिना यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। तलबा के मुतालबात हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से ऑनलाइन क्लासेस ली गई थी तो गवर्नमेंट ने कहा है कि तलबा को ऑन कैंपस पेपर देना होगा, जबकि तलबा सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ बशीर मलिक से। जी बशीर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी फातमा जिना यूनिवर्सिटी के बाहर। यहाँ पे तलबात जो अपने हक के लिए यहाँ पे मुजाहरा कर रही है, इस वक्त कुछ तलबात हमारे साथ मौजूद है। मजीद हम जानते हैं उनसे हवाले से, भाई वो ये आज मुजाहरा किस हवाले से कर रही है। सर हमारा एक सीधा साधा मुतालबा है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम्स चाहते हैं। हम लोगों के क्योंकि ये कहा गया था कि आप लोग अगर सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ेंगे तो आपके एग्ज़ाम्स भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे, तो हम बस अपना वही मुतालबा और अपना वही हक इनसे लेना चाहते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ऑनलाइन का तो सिस्टम जो कोरोना की वजह से पिछले 1.5 साल से चल रहा है। सर ऑनलाइन का एक सिस्टम बिल्कुल 1.5 साल से चल रहा है, तो 1.5 साल से इसी तरह था कि 1.5 साल से अगर हम लोग एग्ज़ाम्स दे रहे हैं ऑनलाइन तो इसका हर किसी में मतलब ये नहीं है कि हम लोग चीटिंग करना चाहते हैं। एक्चुअली बात सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग यूनिवर्सिटीज़ तब खोल देते हैं जब हम लोगों ने इनको फ़ी पे करनी होती है। शायद इनको इस बात का डर है कि शायद हम ये लोग अगर यूनिवर्सिटी ना खोलेंगे तो हम इनको फ़ी पे नहीं करेंगे। जब फ़ी पे करने का टाइम आता है ये यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, और जब जो है हम फ़ी पे कर चुके हैं तो महीने बाद ये लोग यूनिवर्सिटी बंद कर देते हैं। अच्छा अगर मेरे ये कैमरा मैन दिखाई, यहाँ पे काफ़ी तादाद के अंदर खवातीन जो है स्टूडेंट जो है यहाँ पर इत्तेजाज कर रही हैं, इस हवाले से आज जो आप इत्तेजाज क्या हुकूमत से मुतालबा करते हैं?
सर हुकूमत से भी हम यही मुतालबा करते हैं कि हमें सिर्फ हमारा हक दे दें, उसके अलावा वरना हमें तो कोई शौक नहीं है ना कि कोई भी इतनी गर्मी में आकर इस तरह से जलील होता है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से भी और अपनी हुकूमत से भी यही मुतालबा करते हैं कि तालिबात क्योंकि सड़कों पर आ चुकी हैं, वो अपने हक़ के लिए अगर खड़ी हुई हैं तो उनको उनका हक दे देना चाहिए। जी आप क्या कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, अगर हमने ऑनलाइन पढ़ा है तो हमें ऑनलाइन ही एग्ज़ाम देने चाहिए। ये एक रूल कह रही हैं या व्हाटएवर जो भी, कि एक वो टीचिंग मेथड जो कि हमें ऑन कैंपस आके पढ़ते हैं बिल्कुल डिफरेंट होता है ऑनलाइन में। तो हम ये बात नहीं है कि हमें चीटिंग चाहिए, वाली बात है कि हम लोग चीटिंग क्यों चाहेंगे। इतने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस देते हैं कि हम लोग वो कहते हैं कि हमारे वहमो गुमान में भी नहीं होता। अगर कोई जो है ना वो क्लास नहीं लेगा तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के वो काबिल ही नहीं होगा कि वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाए। तो हम लोग जो है ना यही चाहते हैं कि अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस लिए हमने तो हम ऑनलाइन एग्जाम दें। अब अच्छा आप ये कहना चाहती हैं यहाँ ऑनलाइन अगर हुई है ऑनलाइन ही इम्तहान होने चाहिए, जबकि कैंपस वालों का कहना है जो आप मतलब यहाँ के आप यूनिवर्सिटी के मतलब तलबात आके मतलब इम्तहान दें। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है कि यही चाहते हैं कि हमने ऑनलाइन पढ़ा है लेकिन हम आके ऑन कैंपस एग्जाम दें। जी बिल्कुल जैसा कि सुना है आपने यहाँ पे तलबात खड़ी हैं उनका कहना है ऑनलाइन ही हमने 1.5 साल से जो हम पढ़े हैं ऑनलाइन ही हमारी क्लासेस जो हैं इम्तहान लिए जाएँ। कैमरामैन उमर के साथ बशीर मलिक, A1 न्यूज़ रावलपिंडी। लुधरा में मेपको सब डिवीजन जला रही के प्राइवेट स्टोर्स में चोरी की वारदात, नामालूम चोर 6 लाख से जायद मालियत का सामान ले उड़े हैं। जला रही पुलिस ने वाकया की तहकीकात शुरू, इसी पर मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहजाद मुगल से। जी शहजाद आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मेपको सब डिवीजन जला रही में गुज़िश्ता रात ये चोरी की वारदात हुई है जिसमें तकरीबन 6.5 लाख का सामान चोरी हुआ है। तो मेरे साथ SDO साहब जनाब अमजद साहब मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। जी सर बताइएगा ये सब किस तरह हुआ? आज रात सुबह हमें इत्तला मिली है कि चोरी हो गई है स्टोर में, हमने जाके चेक किया तकरीबन 6 लाख का नुकसान हुआ है। हमारे बिल्डिंग प्राइवेट है, किराए पर दफ्तर, इसमें गुंजाइश नहीं है स्टोर की सामान रखने की। हमने उधर सामान रखा हुआ है, पहले हमने अफसरों को लिख कर भेजा हुआ है कि उधर सामान रखते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें जो हमारे बिल्डिंग की चारदीवारी बन चुकी है, हम आला अफसरान से गुजारिश करते हैं कि उसकी बिल्डिंग की तमीर कर दिया है, चाहे हमारा स्टोर बाहर कहीं ना हो दफ्तर के अंदर हो। और हमने इस मुकदमे के लिए लिख के इसकासा जल्लाराई सब डिवीजन थाना जल्लाराई को लिख कर दे दिया है वो, और इसका इस कासे का पीछा करेंगे, FIR दर्ज करवाएंगे और माल बरामद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह कामयाबी हमारी होगी। जी ये सरकारी इमारत ना होने की वजह से ये वारदात पेश आई है, तो SDO साहब का कहना है कि हमने आला हुकाम को लिख दिया है कि यहाँ सरकारी मदद जल्द से जल्द तामीर करा के दी जाए। जी इलाकाई खबरों से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.a1tv.pk। इसके अलावा आप हमें YouTube, Facebook, Instagram और Twitter पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए A1TV। A1TV सब पे नजर, अंदर की खबर।